गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? जितना पढ़ाए सब क्लियर है? यस सर। चलिए फिर से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को कल हम पढ़ाए थे कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 90 है। तो रिविजन करके आए हो? चार कंडीशन मैंने कल बताया था। क्या क्या बताया था? पहला बताया था क्या? साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू कितना? 1। ठीक है, अल्फा बीटा बोलने का आदत नहीं रहे। ठीक है, दूसरा बताइए कॉस के साथ क्या? कॉस ए इंटू कॉस ए बी इक्वल टू क्या? 1। क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड, टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 1। ये चौथा पॉइंट। ठीक है, और पांचवा चौथा पॉइंट तीसरा था ये, और cot a into cot b equal to 1। ठीक है, चार पॉइंट्स पढ़े थे लोग। पहला पढ़े थे प्लस b equal to 90, तो क्या क्या पढ़े थे बोलो फिर? sin a equal to 1, cos a into cos b equal to 1, tan a into tan b equal to 1, cot a into cot b equal to 1। डिवीजन पे पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, डिवीजन आपको अच्छा बनाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 होता है तो हमारे पास और क्या क्या केस आएगा। मेरे पास आएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आएगा कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना? 1। और दूसरा कंडीशन ये आएगा कि कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1 होगा। कुछ बच्चे हैरान हो रहे होंगे क्योंकि उन्होंने देखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी होता है और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर 51 प्लस कॉस स्क्वायर 51 का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, इस कंडीशन में 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर 51 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का वैल्यू क्या होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि थीटा की जगह पे 51 है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? 32 है। और सम तो 90 देख नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है। अगर 90 हो भी जाता तो भी इसमें कुछ हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कब है? जब थीटा का वैल्यू हम लोग को हमेशा यहाँ पे चेंज। लेकिन इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1। अब ये देखिए, ये कल ही के फॉर्मेट से आया है, हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं कि एक बार प्रूफ कर देंगे, दूसरा आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हो ना? Yes, कह रहा है इसका प्रूफ देखिए कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। बात समझ में आ रहे हैं? साइन स्क्वायर ए ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, ये बताने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। अब साइन ए इक्वल टू लिख सकते 1 बाई सेक बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू क्या? 1। और अब कल ही पढ़े थे साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 तभी होता है जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? इसी प्रकार से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? अब आइए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। बहुत बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ऐसा टाइप पे पूछा है। मान लीजिए साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा? अभी आप 90 डिग्री माइनस थीटा से भी इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 80। इस प्रकार से भी आप प्रूफ कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन था तो। प्लस साइन स्क्वायर 80 इक्वल टू व्हाट है ना? अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर 80 भी हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। देखो थीटा सेम कर दिए, तो हमेशा इस बात को सेम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये देखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 90 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। जैसे आप इस बात को इस प्रकार से भी समझ पा रहे होंगे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि साइन स्क्वायर 10 प्लस
कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सबको दिखाई दे रहा है? यस सबको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 20। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी इक्वल टू 90, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है बताओ? 10। और यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है? 80। तो 80 प्लस 10 जोड़ करके क्या हो जाएगा? क्योंकि 80 प्लस 10 कितना? 90। जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो ठीक है, इसको भी 1 कर देते हैं। क्लियर है? तो 1 कितना? 2। मतलब 2 इसका सॉल्यूशन है। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात याद रखना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इक्वल टू 1। अच्छा, एक और बात बताओ कल वाला क्लास का फिर से, कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 होगा तो क्या क्या होगा? और क्या पढ़िया समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कुछ इस प्रकार से कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट में जान ही रहे हो, बढ़ेगा साइन स्क्वायर 15 फिर साइन स्क्वायर 20, सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम चलाक इंसान है इसलिए नहीं लिखते। साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, इसका वैल्यू पूछता है। क्लियर? अब देखिए साइन स्क्वायर 5 है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर 85 के साथ मिलकर के क्या बना देगा? 1। क्या बना देगा? 1। अच्छा, साइन स्क्वायर 10 है तो साइन स्क्वायर 80 के साथ मिला के क्या बना देगा? 1। साइन स्क्वायर 15 है तो साइन स्क्वायर 75 के साथ मिलकर क्या बना देगा? 1। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार करते रहेंगे और एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचने का नजरिया चेंज करना है। हम लोगों को ये पता है कि इसके बीच में क्या आने वाला है? 45 आने वाला है, 45 आने वाला है। अब 45 के कुछ राइट में होगा और कुछ टर्म्स लेफ्ट में होगा। अगर हमको चलना है 85 तक, ठीक है, तो आप तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो कितना टर्म आया? 8 टर्म। अब 45 के बाद देखो 50, 55, इस प्रकार से करते रहोगे तो 85 तक भी आप 8 टर्म ले आओगे। ठीक है, इसका मतलब 8 हो करके कितना हो जाता है? 16। लेकिन यहाँ पे 16 नहीं, 8 और 8 क्या कर देंगे? 8 टर्म। ठीक है, कैसे 8 कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक टर्म साइन स्क्वायर 45 के इधर का एक टर्म 5 लिए तो दूसरा का टर्म क्या लिए? 50 के लिए। अगर मान लो साइन स्क्वायर 10 लेते दूसरे का टर्म, तो इधर लेना पड़ता साइन स्क्वायर 70। ठीक है, तो एक टर्म इसका 80, एक टर्म इसका और एक टर्म इसका मिल करके क्या बन जा रहा है? 1। ठीक है, एक टर्म इसका और एक टर्म मिल करके क्या हो जा रहा है? 1। इसका मतलब ये है कि 8 + 8 इक्वल टू कितना? 8। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि जोड़ा गया क्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, उधर 85 तक जोड़ दिए, ठीक है, 45 नहीं ना जोड़े, 45 तक क्या होगा? साइन स्क्वायर 45 के वैल्यू क्या? 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। और इधर साइन स्क्वायर 90 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए 8 + 1/√2 का होल स्क्वायर कितना? 1/√2। इतना टफ कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, +1। क्लियर है? 8 + 1 क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है करने में, 9 + 1/2, और इसको तुरंत कर देंगे 9 और 1/2 आंसर। इस बात को आप ओरली भी डन कर सकते हैं, कोई स्मार्ट बच्चा इसको बनाएगा नहीं, वैसे देखेगा 5, 10, 15, 20 बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 45 के दाएं देखेगा 8, बाएं देखेगा 8, 8 + 8 = 8, 45 का वैल्यू बच रहे 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, तो उसको पता है 8 + 1/2, 90 का वैल्यू 1 आएगा तो 9 × 1/2, वो ओरली आंसर दे देगा। और जो सबसे ओवर स्मार्ट बच्चा है वो जानता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है सीधे 9 × 1 होता तो
अगर 90 है तो 9 गुणांक 1 2, अगर 90 नहीं होता आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, स्मार्ट हो गया वही बच्चा जो मन में रखे हुए बाय प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इस टर्म पे, इस कॉन्सेप्ट पे, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर। अब एक बात देखो कि इसमें पास का तो गैप है नहीं, पास का गैप नहीं, अब देखो और ही बनाना है इसको, पास का गैप है नहीं, साइन 1 है, साइन 2 है, साइन 3 है, इसका मतलब 45 तो है, 45 के इधर और 45 के इधर, इधर का और उधर का मतलब समझ लो ना, राइट और लेफ्ट, मतलब ये 45 के दाएं क्या होगा 22 टर्न, कितना टर्न 22 टर्न है, कितना 44। ठीक है, 44 हो जाएगा, चलो 45 इधर 44 हो जाएगा और उधर भी कितना हो जाएगा 44 कितना 44। ठीक है, बचा क्या जी 45, क्या बचा 45, तो 45 का मतलब क्या इधर क्या 1। ये सब ओरली होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आएगा बन जाएगा आप लोग से। yes. और बनाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, जितना बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है, फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।